बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल होगी। यानी हरियाणा कांग्रेस द्वारा भी जो अपने तमाम नाम है उसको आलाकमान को भेजा जाएगा। भगत चरण दास की अध्यक्षता में यह बैठक होगी स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, एक तरफ बीजेपी द्वारा हरियाणा के उम्मीदवार बहुत जल्द घोषित किए जा सकते हैं, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो भी तैयारी है वो कहां तक पहुंची है उम्मीदवारों के नाम मंथन को लेकर, और क्या कुछ माना जा रहा है कल की बैठक को लेकर? देखिए, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्त चरण दास की अध्यक्षता में ये बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। एक दौर की बैठक पहले ही जो है कांग्रेस की देखने को मिलती हुई जो है नजर आ चुकी है, लेकिन उसमें जो पैनल है उन पर अंतिम मोहर जो है नहीं लगती हुई जो है नजर आई थी। और इसके पीछे सीधे तौर पर एक कारण ये भी है कि नेताओं में आपसी मनमुटाव जिस तरीके से देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कल एक बार फिर से जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती हुई नजर आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, प्रभारी दीपक बावैया समेत जो स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य सदस्य है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और एक बार फिर से कोशिश होगी कि जो 9 लोकसभा सीटें हैं उन पर जो पैनल है वो कहीं ना कहीं जो है तैयार किया जाए, और उसके बाद जो 11 तारीख को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें वो पैनल जो है भेजा जा सके। लेकिन क्या पैनल इतनी आसानी से तैयार होता हुआ नजर आएगा तमाम नेताओं की जो अलग अलग गुटबाजी है उसके बावजूद, ये देखने वाली बात रहेगी। इस पर एक सवाल और, पहली सूची कांग्रेस पार्टी ने कल जारी कर दी है और उसमें कुछ दिलचस्प चीजें देखने के लिए मिली। बड़े बड़े चेहरों को उतारा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा गया, साथ ही साथ और बड़े नेता भी मैदान में उतारे गए हैं। हरियाणा के संदर्भ में कहा जा रहा है कई बड़े नेताओं ने इनकार किया है या फिर गुरेज कर रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने से। हरियाणा के संदर्भ में किस तरह से माना जाए कि बड़े चेहरे उतारे जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोकसभा में? देखिए, आप बेशक बड़े चेहरे जो है मना कर रहे हो चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का स्पष्ट संदेश है कि बड़े चेहरों को भी चुनाव जो है लड़ना होगा, ताकि एक फाइट में कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है बनी हुई रहती हुई जो है दिखाई दे। और अब बड़े चेहरों की बात करते हैं तो हम नाराजगी हरियाणा में भी देखने को मिलती हुई नजर आती है। जिस तरीके से हुड्डा गुट की बात की जाए या फिर रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी गुट की बात की जाए, कैप्टन अजय यादव की अलग नाराजगी देखने को मिलती हुई नजर आती है। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको पार्टी जो है मैदान में उतारती हुई जो है नजर आ सकती है आने वाले चुनाव की हम संदर्भ में बात करते हैं। लेकिन अंतिम मोहर चुकी केंद्रीय आलाकमान लगाता हुआ नजर आता है। भूपेश बघेल की भी हम बात करते हैं तो वो पिछले दिनों जो है उनकी जो ना है वो देखने को मिलती हुई नजर आती थी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। ऐसे में मौजूदा जो MLA होंगे उनको भी मैदान में उतारने का पार्टी काम करती हुई नजर आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, जातिगत समीकरणों को देखते हुए पार्टी जिसको भी मैदान में उतारेगी वो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल स्पर्श एक तरह से कहीं ना कहीं ये भी संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर कि सभी के साथ लॉयल्टी कांग्रेस पार्टी कर रही है जो कांग्रेस का साथ इस मुश्किल घड़ी में दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।